Students, good morning to all. And in the last previous lecture, we have learned about collenchyma, permanent simple tissue. And in this lecture, we will proceed about next permanent simple tissue, that is sclerenchyma. Okay, let's proceed with the characteristics of sclerenchyma tissue. So first one, it makes the plant hard and stiff. So there should be comparison between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma, we have done that there was intercellular space in between the cells. Cells ke beech mein space hota hai. In collenchyma, we have learned about intercellular space may be present or absent. And collenchyma provides strength to the plant. It provides flexibility and provide your elasticity, helps in providing ease so that plants or leaves can bend while there is high velocity wind, so that plants would not break down. Okay, so here first, this is just provide plant to be hard and stiff. ठीक है, प्लांट हार्ड रहे, बिल्कुल स्टिफ रहे, दैट इज द वर्क ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. जहां पर बहुत ज्यादा एक्सेस स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, देर विल बी प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू इन द प्लांट्स. ओके, सेल्स आर डेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. लॉन्ग है बट नैरो है, पतले स्ट्रक्चर्स हैं. सेल्स आर वेरी थिन, नैरो एंड थिकन ड्यू टू लिग्निन. लिग्निन इज लाइक सेलुलोज इज अ मटेरियल, लाइक हैमी सेलुलोज इज अ मटेरियल. सिमिलरली देयर इज लिग्निन दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द प्लांट. द सेल वॉल आर मेड अप ऑफ लिग्निन, थिकंड, थिक हैं. ओके, इफ यू रिमेंबर पैरेनकाइमेटस में थिन थी एंड कॉलेनकाइमेटस में थिक थी एट द कॉर्नर्स, एंड स्क्लेरेनकाइमा के अंदर भी थिक हैं. जहाँ पर स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, द सेल्स नीड टू बी थिकंड. ओके, नॉन सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में कोई भी गैप और स्पेस नहीं है. सेल्स डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट इन द सेल चैप्टर. न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है और जो सेल के अंदर अदर देन न्यूक्लियस जो फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. एग्जाम्पल इन द स्टेम्स, स्टेम्स में भी जहाँ पर ज़्यादा हार्डनेस, ज़्यादा स्टिफनेस रिक्वायर्ड है, वहाँ पर स्टेम्स में प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट वन, रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा. रूट्स आर बिकॉज रूट्स हेल्प्स इन द एंकरिंग ऑफ प्लांट. एंकर होल्ड करने के लिए, प्लांट को सॉइल से एंकर करने के लिए रूट्स को बहुत ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. बेसिकली इन द हैवी प्लांट्स और ट्रीज और डाइकॉट्स के अंदर. ठीक है, वेन्स ऑफ द लीव्स. वेन्स क्या होते हैं बेटा? सी, दिस इज अ लीव. इन दिस लीव, दिस इज द मिड रिब. दिस इज द मिड रिब एंड दिस इज लीव लैमिना. लीफ लैमिना कहते हैं इसको. दिस इज लीफ लैमिना. एंड ये जो उस पर होती हैं, आप लाइनिंग्स देखी होंगी, दीज आर द वेन्स. ठीक है, और वेन्स आपने देखा होगा, वेन्स फिर ब्रांच्ड हो जाती हैं, उनको बोलते हैं वेनलेट्स. ठीक है, ओके. लीफ लैमिना होता है, लाइक दिस इज लीफ, दिस इज द सरफेस. सो दिस इज लीफ लैमिना. अगर ये दिस स्ट्रक्चर इज लीफ मार्जिन, लीफ की मार्जिन होती है. ठीक है, सो वेन्स आपने देखा होगा, जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी सी उभार नज़र आता है उनमें. ठीक है, थोड़ी हार्ड नज़र आती हैं एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द लीफ. एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द नट्स,
जो नट्स होते हैं आपके, उनकी जो कवरिंग्स होती हैं, लाइक आपने पीनट्स देखना, मूंगफली देखना, मूंगफली के छिलके में ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ठीक है। तो वो फाइबर्स किसके हैं? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू के। सीड्स के अंदर हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्राउनिश इन कलर, सो दैट इज हस्क ऑफ कोकोनट। तो वो भी डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यूज हैं, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वट इज़ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बिकॉज इट इज़ रिटर्न इन द NCERT, सो यू हैव टू नो वट इज़ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेक्शन। इफ दिस इज अ स्टेम, अगर हम इसको इस तरीके से कट कर देते हैं लाइक दिस, इफ वी कट लाइक दिस, तो हमें ऊपर से जो ऐसे नज़र आएगा दिस सेक्शन, दिस इज ट्रांसवर्स। बट हम अगर उसको ऐसे कट करें लंबा लंबी साइड से ऐसे, देन इट विल द ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स फंक्शन इज सेम, बट नेम्स आर, द फंक्शंस आर स्लाइटली डिफरेंट, एंड नेम्स and types are designated like fibers and scleroids. Fibers are elongated, scleroids are spherical, narrow, or these are irregular or spherical in shape. ये elongated होते हैं, ठीक है। Present in plant parts to provide strength like husk of coconut, उसमें fibers होते हैं। Of course देख के पता चलेगा, ऐसा लगेगा hair like structures है। Fiber word is used for बिल्कुल पतले पतले fibers, तार की तरह, ठीक है। और स्क्लेराइड प्रेजेंट इन द सीड कवर और फ्रूट पल्प। सीड कवर जैसे आपने, मैंने बोला अभी लाइक आपका को पीनट है, उसका का जो कवर है लाइक ग्राउंडनट्स जो होते हैं, पीनट्स हैं, वॉलनट्स हैं, और इनके जो कवर्स होते हैं वे इतने हार्ड हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। एंड इवन फ्रूट पल्प आप देखना उसके अंदर, गुआवा के अंदर देखना आप जो है जो आपके नाशपाती है उसके दाने देखना अंदर, उसके जो पल्प होता है दानेदार होता है काफ़ी। आप अमरूद देखो और उसके अंदर आप लाइक चीकू के अंदर देखो, चीकू के जो अंदर जो है थोड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं, दाने दाने से होते हैं, वो कौन सा टिश्यू है? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। ओके, होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रिवाइज इट एंड प्रोसीड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।